भारत से लगभग दो गुने भूभाग में फैला हुआ विशाल जंगल, 4 खरब हर तरह के पेड़ पौधे और उनमें रहने वाले लाखों प्रकार के रंग बिरंगे जीव जंतु। जहां तक नजर जाए प्रकृति की अद्भुत कलाकृति फैली हुई। खूबसूरत लेकिन उतना ही खतरनाक ये अद्भुत और रहस्यमयी जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अमेज़न निर्विवाद रूप से धरती का सबसे बड़ा जंगल है जो कि साउथ अमेरिका में 9 देशों में फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 60% ब्राजील में स्थित है। ये इतना विशाल है कि धरती की 20% ऑक्सीजन यहीं से पैदा होती है और इसी कारण इन्हें धरती के फेफड़े यानी कि धरती के लंग्स भी कहा जाता है। अमेज़न के घने जंगलों में किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये सभी आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं जो कि एक दूसरे के अस्तित्व को सपोर्ट करता है और संभव बनाता है यहाँ फैले हुए जीवन के विभिन्न रूपों को। इस वर्षा वन की गहराई कितनी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जंगल की सतह पर 1% से भी कम सनलाइट पहुंचती है और बारिश के पानी को कई मिनट लग जाते हैं सतह तक पहुंचने में। अमेज़न के जंगल में सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधे ही नहीं रहते बल्कि 400 से लेकर 500 तक विभिन्न जनजातियों के लोग भी निवास करते हैं और उनमें से 50 से ज्यादा का आज तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ है। कई सदियों पहले तक इन जनजातियों की संख्या और भी ज्यादा थी लेकिन बाहरी मनुष्यों का संपर्क उनके लिए घातक साबित हुआ और कई तरह की बीमारियों से उनका विनाश हो गया। पृथ्वी की दूसरी सबसे लंबी रिवर अमेज़न इस जंगल की जीवनदायिनी नदी है जो हर साल इतना पानी अटलांटिक ओशन में छोड़ती है जितना कि बाकी की कई बड़ी नदियां जैसे कि कॉन्गो, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर भी नहीं डाल पाती हैं। हर साल भारी मात्रा में होने वाली बारिश के साथ इस जंगल से मिट्टी के साथ पोषक तत्व भी पानी में बह जाते हैं जिनकी भरपाई करना जंगल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है और प्रकृति ने इसके लिए चुना है सहारा रेगिस्तान और उससे उड़ने वाली हवाओं को। नासा के एक रिसर्च के मुताबिक लाखों टन धूल सहारा के रेगिस्तान से उड़कर अटलांटिक ओशन को पार करते हुए अमेज़न के जंगलों में सेटल होती है जिसमें बड़ी मात्रा में फास्फोरस होता है जो कि पौधों के सही विकास के लिए बेहद जरूरी तत्व है। ये मात्रा वर्षा के पानी के साथ बहने से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए काफी होती है। मानव के नेचर में पड़ते हुए खिलवाड़ से अमेज़न का जंगल भी बचा हुआ नहीं है। लगातार होने वाले डिफोरेस्टेशन के कारण अमेज़न अपना 20% से ज्यादा हिस्सा खो चुका है। हाल के सालों में सरकार के प्रयासों से जंगल की कटाई में कमी जरूर आई है लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। ग्लोबल वार्मिंग भी अमेज़न के लिए एक बड़ा खतरा लेकर आई है। कुछ रिसर्चर्स का दावा तो यहां तक है कि अगर जल्दी ही प्रयास नहीं किए गए तो सदी के आखिर तक अमेज़न का अधिकतर हिस्सा खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेज़न के पेड़ों में जमा खरबों टन कार्बन को धरती के वातावरण में प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा जो कि धरती के तापमान को विनाश की हद तक बढ़ा देगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारी मदद जरूर करिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।